वेलकम टू रिजल्ट मेकर क्लासेस। रिजल्ट मेकर क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग लगभग सारे टैब के बारे में जान चुके हैं, अब चलिए क्विक रिवीजन के बारे में देखते हैं क्विक रिवीजन क्या है। सबसे पहले ये ऊपर में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको टाइटल बार कहते हैं, और इस वाले पट्टी में जो दिख रहा है आपको इसको मेनू बार कहते हैं, और ये मेनू के अंदर सारे ब्लॉक है जिसमें से आपको व्यू में भी दिखाया गया था कुछ ऑप्शन, और रिव्यू में भी दिखाया गया था, जो कि ये सब सारे ब्लॉक के टैब के अंदर आने वाले ब्लॉक हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट हुआ पेज रहता है हम लोगों का टैब वो होम रहता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम लोग एमएस वर्ड 2016 को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब सिलेक्ट रहता है, तो वहाँ पर हमको आंसर करना रहता है कि हमारा होम टैब बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। चलिए अब इससे लास्ट का टैब जो है सबसे फर्स्ट भी बोल सकते हैं फाइल टैब। ये फाइल टैब के अंतर्गत कुछ कुछ फंक्शन है जो फुल्ली प्रैक्टिकली है, इसके बारे में देखते हैं। पहला होम, जैसे हम लोग फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होम सिलेक्ट रहता है। ये होम का ये सारा दिख रहा है जो आपको, ये सारा होम पेज ऑलरेडी खुला हुआ। अब बहुत सारा ऑप्शन इसमें पेज का पहले से डिफाइन रहता और बना हुआ रहता है एमएस वर्ड 2016 के अनुसार। जैसे ही न्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम लोगों को इसमें से कोई भी टेम्पलेट लेना रहता है, ये ऑलरेडी पहले से ही डाला हुआ रहता है। और कोई नया टेम्पलेट चाहिए हो आपको जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको सर्च कर सकते हैं यहाँ से, या नहीं तो यहाँ से ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। यहाँ बिजनेस का चाहिए, कार्ड चाहिए, जो भी चाहिए, ये सर्च हो रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन ये सर्च हो रहा है, ये सारे बिजनेस वाले टेम्पलेट आ गए। फिर आप इसको बैक कर सकते हैं, ठीक है, फिर आप होम पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। ये एक नया सीट खोल गया, इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए अब ओपन, ओपन करने का कहने का मतलब है जैसे कोई फाइल है मेरा पहले से सेव है उसे हम ओपन करते हैं, तो वो हमें ओपन पे क्लिक करेंगे, जो भी फाइल पहले से बना हुआ अपने पीसी में वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। चलिए एक इन्फो है, इन्फो के बारे में इससे पहले भी बताया जा चुका आपको। इन्फो क्या होता है, उसके बारे में जो फाइल खुला हुआ उसके बारे में एट परजेंट ये क्या करता है, पूरा बताया जाता है। इसमें इन्फो में सारे डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेव, अगर किसी फाइल को सेव करना है तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल यहाँ से सेव हो जाता है। और सेवेज है, कोई फाइल है उसको और दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तब हम लोग यहाँ पे सेवेज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम फाइल सेव किया हुआ है, यहाँ पे फाइल का नाम भी दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसको अगर सेवेज करेंगे दूसरा नाम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस फाइल को हम लोग सेवेज करते हैं तो कहीं भी सेवेज कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ब्राउज करते हैं क्या सेव करना है, तो चलिए हम लोग इसको सेव कर देते हैं किसी भी ड्राइव में, या डॉक्यूमेंट है इसमें क्लिक की, यहाँ पे सेव कर दिया, मान लिया जाए इसको सेव कर दिया रिजल्ट में। तो ये फाइल ओके किए, तो जैसे ही किए तो यहाँ पे देखिए नाम क्या हो गया, रिजल्ट मेकर क्लासेस। मतलब सेव किए हुए फाइल को फिर से अगर सेव करते हैं तो वो सेवेज करना पड़ता है। अगला ऑप्शन है हिस्ट्री, देखिए ये हिस्ट्री जो खुला हुआ आपके सामने अभी जो काम किया ये रिसेंट वाला ये दिखा रहा। चलिए प्रिंट है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम लोग देख सकते हैं कि प्रिंट होने से पहले कैसा हो सकता है, तो प्रिंट प्रीव्यू ऐसा दिख सकता है हम लोगों को, प्रिंट प्रीव्यू में इस तरह का है। आप इसको जो प्रिंट है ये ओरिएंटेशन पेज का है, तो ये पोर्ट्रेट है, और अगर लैंडस्केप करना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। यहाँ पर प्रिंटर चाहिएगा तो आप कर सकते हैं सिलेक्ट जस्ट एक पेज या ऑल पेज, पेज को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं मैन्युअली। प्रिंट ओरिएंटेशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि
किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग कितने ओरिएंटेशन यूज करते हैं। तो हम लोग दो ओरिएंटेशन यूज करते हैं, एक पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और एक लैंडस्केप। अभी जो मेरे सामने ये क्या है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। अभी इसको लैंडस्केप क्लिक करते हैं तो देखिए इस तरह प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे पेपर साइज, पेपर साइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली पेपर A4 साइज यूज करते हैं तो A4 साइज सिलेक्ट कर लिया। आप जो भी पेपर चूज करना चाहते हैं यहाँ से पेपर चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रिंट के बारे में। अब आप प्रिंट की करने से पहले आपको मार्जिन सेट करना है, तो यहाँ से कस्टम मार्जिन पे भी क्लिक करके आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। जो भी है, नॉर्मल है, मॉडरेट है, वाइड है, मिरर्ड है। मिरर्ड हो गया तो उसके पीछे भी एक प्रिंट होगा, मिरर प्रिंट होगा। और सबसे खास बात, प्रिंट करने से पहले आपको ध्यान रखना है, एक बार प्रिंट की प्रॉपर्टीज भी चेक कर लेनी चाहिए। तो यहाँ से प्रिंट प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं। यहाँ से प्रिंट प्रॉपर्टीज में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलर निकालना है, ग्रे स्केल है, प्लेन पेपर है, साइज है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। आप जो चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लें। फिर मोड ऑप्शन पे क्लिक करके आप पेपर का साइज, हाई स्पीड निकालना चाह रहे हैं, क्या करना है, यहाँ पे सारा डिटेल को देखिए और अपने ज़रूरत के अनुसार वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप प्रिंट करने से पहले अपने प्रिंटर का नोजल चेक भी कर सकते हैं, पावर इंक फ्लशिंग कितनी है, या प्रिंटर की क्वालिटी कैसी है, या प्रिंट कैसा होगा, इंक क्या है, नहीं, ये सब भी यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर कर सकते हैं, यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, प्रेजेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, पोस्ट अब ब्लॉक कर सकते हैं, सेव टू क्लाउड में कर सकते हैं। ये सब इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ है। यहाँ एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट करने से पहले आप यहाँ देखिए इस फिर को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फाइल का टाइप। यहाँ से PDF बना सकते हैं, देखिए जैसे इस पेज का PDF बनाना, तो इस पर जैसे ही क्लिक करें हम लोग, ये फंक्शन कर रहा है। यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक कर देना, तो जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो एक PDF हो जाएगा। अगर हम चाहें तो PDF में अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इनक्रिप्टेड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। चलिए करके दिखाते हैं। RMC ओके कर दिए, फिर यहाँ से कंफर्म कर दिया, पासवर्ड इज नोट आइडेंटिकल, मतलब पासवर्ड बहुत छोटा था इसलिए ये नहीं लिया। चलिए थोड़ा बड़ा डाल के देखते हैं, RESULT रिजल्ट ओके 6 डिजिट का कम से कम डालना था, ये पासवर्ड सेट हुआ। अब जैसे ही इसको पब्लिश करेंगे ये हमारा PDF बन जाएगा, लेकिन ये PDF बिना पासवर्ड के हम लोगों के सामने ओपन नहीं होगा, ठीक है। चलिए PDF बन के तैयार हो गया, देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ पे पासवर्ड देंगे, RESULT दिए तो ये PDF मेरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखिए PDF मेरा ओपन हो गया। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एक्सपोर्ट समझ गए। यहाँ से क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लेकिन हमें भी बंद नहीं करना है, इसलिए कैंसिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। ये अकाउंट है, जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होता है उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी एक अकाउंट होता है। जैसे ये मैंने एक्टिवेट किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, ये मेरा एक्टिवेट किया हुआ, तो यहाँ पर दिखा रहा है प्रोडक्ट मेरा क्या है, एक्टिवेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर फीडबैक है ऑफिस के बारे में, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन के अंतर्गत बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इसको बारीकी से समझने की ज़रूरत है। चलिए यहाँ डिस्प्ले है, डिस्प्ले कैसा दिख रहा है, ये प्रूफिंग हो गया। प्रूफिंग टूल के अंतर्गत हम लोग देखते थे जो ग्रामर चेक करता था, अगर यहाँ से इसको अनक्लिक चेक कर देंगे तो यहाँ पर ग्रामर संबंधी जो चेकिंग चेक करता है वो नहीं चेक कर पाएगा। जहाँ पर रेट होता था उसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ सेव है, लैंग्वेज है, ये कुछ कुछ ऑप्शन है, इसमें पार्टिकुलर बताना भी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसके बारे में सारा फंक्शन है, यानी कि कंप्यूटर में MS Word 2016 या किसी भी ऑफिस के
एम एस वर्ड में ये सारे फंक्शन रहते हैं। यहाँ से बहुत सारे सेटिंग्स होती है जो करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग इस सेटिंग्स को नहीं छेड़ेंगे नहीं तो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है जो आपको काम करने में दिक्कत देगी। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।